बिहार के जहानाबाद में रविवार की देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। मखदुमपुर के वाणावर स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर के बाहर मची भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई और ये सभी लोग आज सोमवारी पर जल चढ़ाने के लिए पहुंचे थे। मृतकों में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से 7 लोगों की मौत की पुष्टि की गई, लेकिन जिस तरह से घटना हुई और श्रद्धालु घायल हुए, ऐसे में ये संख्या और बढ़ सकती है। कई लोगों को इलाज के लिए स्थानीय मखदुमपुर अस्पताल और जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। राहत बचाव का कार्य तुरंत शुरू कराया गया। दरअसल सावन के महीने में बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए काफी संख्या में भीड़ होती है। सोमवारी के मौके पर भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है। इसे देखते हुए बीते रविवार की रात से ही जल चढ़ाने के लिए लोगों की भीड़ पहुंचने लगी थी। लाइन में भीड़ काफी भीड़ थी, लाइन में लगे हुए थे, सब लाइन में लगे हुए थे। तो एक फूल वाला जो सबसे ऊपर है ना, वो फूल वाला से बम का कोई बात लेके झगड़ा हो गया कि हमारे दुकान के तरफ किधर झुक रहे हो। तो ये भी लोकल आदमी होगा, वो भी कड़क गया, तो दोनों में डंटा चलने लगा, तो सब पीछे भगदड़ हो गया। भगदड़ हो गया था, आदमी पर आदमी गिरने लगे, काफी भीड़ था आदमी पर। कितना लोग चप के मर गए, कितना लोग घायल हो गए। फूल सबसे ऊपर जो फूल माली है ना, वही ऐसे किया था, वही डंटा चलाया था, उसी के वजह से सारा ये सब हुआ। सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, नाम पता का हम लोग उनके परिजन से मिल रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं उनका, फिर विधिवत सम्मत जो भी पोस्टमार्टम होगा हम लोग करवा रहे हैं। फर्दर क्या डीएमएसपी आ रहे हैं? अभी सर क्षेत्र में ही है और सब जगह जहाँ जहाँ जो भी सूचनाएं मिली है कि कहाँ कहाँ घायल है, ये विजिट कर रहे हैं सब। यहाँ पे संख्या को लेकर ये किया जा रहा है कि अभी पढ़ने नहीं, अभी हमारे पास 300 मरी जो रविवार की रात्रि को जो भीड़ होती है ज्यादातर, 3 सोमवारी के बाद ये 4थी सोमवारी थी। जैसी सतर्कता है हम लोग उससे ज्यादा सतर्क थे। फोर्स और सिविल मजिस्ट्रेट्स की डेपुटेशन होती है, मेडिकल टीम की डेपुटेशन होती है, सब कुछ व्यवस्था जैसे होती है वैसे की गई है। ये दुखद घटना है, इस पर हम लोग जो इसका जो अभी आगे का जो प्रक्रिया है वो पहले हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद आधिकारिक रूप से आपसे बात।